नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आयुष विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। नागौर में रियाबड़ी के आईटी केंद्र कोड में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जोधपुर के तिवरी में सर्व पितृ अमावस्या पर गवाई तालाब पर लोगों ने अपने पूर्वजों को जलांजलि देकर तर्पण किया और तालाब में डुबकी लगाकर गांव की खुशहाली की कामना की। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिसमें चालक और खलासी को गंभीर चोट आई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दौसा में लालसोट के अस्पताल में अव्यवस्थाओं से मरीज भड़क पड़े और अस्पताल का गेट बंद कर जमकर हंगामा किया। डूंगरपुर के 84 में प्रशासन गांव के संग अभियान का आगाज ग्राम पंचायत बांसिया और सूजा तालाई में हुआ। इस दौरान एसडीएम ने विभागवार कार्यों की समीक्षा की और आगामी शिविरों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दौसा में चोरी के मामले में महिला के सहित 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही वाहन और माल भी बरामद किया है। पुलिस की इस पूरी कार्रवाई में साइबर सेल ने अहम भूमिका निभाई। डीडवाना के ग्राम पंचायत मावा में आयोजित प्रशासन गांव के स्तंभ शिविर के तहत 39 साल पुराने जमीनी विवाद का सुलटारा हुआ। मूल मालिक को उसकी जमीन का मालिकाना हक दिलाया गया। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने शिलान्यास के पत्थर को उखाड़ने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सरकारी संपत्ति को खुर्द-पुर्द करने में चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। चिड़ावा में व्यापारी के बेटे को उसके पिता को मारने और दुकान में आग लगाने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 2,60,000 रुपए भी बरामद किए हैं। दौसा के सिकराई में नेशनल हाईवे 21 के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। मेड़ता सिटी के मीरा स्मारक राव दूधागढ़ प्रांगण में लाइट एंड साउंड शो को शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए आरटीडीसी की टीम शीघ्र जायजा लेकर अंतिम रूप देगी। हिंडोन सिटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के साथ हुए हादसे को लेकर विरोध जताया, साथ ही राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। झुंझुनू में गांधी सप्ताह के तहत स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर के बोली में शीशोलाव के छात्र छात्राओं की वाहन समस्या को लेकर छात्रों और ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर तिराहे पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। जैसलमेर में डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ने से अस्पताल में भीड़ बढ़ने लगी है। वहीं शहर के जवाहर अस्पताल में 60 मलेरिया और 300 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है। झालावाड़ के झालरापाटन के सैटेलाइट अस्पताल में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की टीम ने दौरा किया, खून की कमी और प्लेटलेट्स की सुविधा को लेकर बात की। साचौर में रामलीला मंडली बनारस ने शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल में रामलीला आयोजित की। कार्यक्रम में वन मंत्री के पुत्र डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई भी मौजूद रहे। भरतपुर में भुसावर के पथेना गांव में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। सूचना पर पहुंचे थानाधिकारी मदन लाल मीणा ने ग्रामीणों से समझाइश की और जल्द ही मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। नागौर के मकराना में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरे में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। सांगानेर में बीजेपी के पदाधिकारियों ने गोष्ठी में बाबूलाल जांगिड को शक्ति प्रमुख के पद पर मनोनीत किया, साथ ही भाजपाइयों ने संगठन को मजबूत करने की बात भी की। झुंझुनू के सुल्ताना में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सुपुर्द किया। डीडवाना में हुई तेज बारिश के कारण सड़कें जगह जगह से टूटकर गड्ढों में बदल गई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पालिका अध्यक्ष से कई बार शिकायत की, लेकिन समाधान अभी तक नहीं मिला। मेड़ता सिटी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल थानवी ने देहरादून जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और हरिद्वार में मीरा घाट बनाने को लेकर चर्चा की। सायला के आसाणा ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मेड़ता सिटी में स्वीकृत लाइट एंड साउंड शो को फाइनल करने के लिए उपखंड स्तरीय पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष पहुंचे और उपखंड अधिकारी शैतान सिंह राजपुरोहित सहित निरीक्षण किया।
पाली के देसुरी में एक ही परिवार के लोग जमीनी विवाद को लेकर आपस में झगड़ पड़े। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई। हिंडोन सिटी में बझेड़ा गांव के खेतों में करीब 10 से 11 फीट लंबा अजगर घुसाया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर की तलाश शुरू की। बोली में प्रशासन गांव के संघ शिविर ने सफलता हासिल की है। 15 साल से एक विधवा महिला 3 बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही थी, जिसको शिविर में न्याय दिलाया गया। झुंझुनू में रिश्वतखोरों के खिलाफ एसीबी डीएसपी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। साथ ही लोगों को जागरूक किया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगे तो तुरंत सूचना दें। झुंझुनू में जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने प्रशासन गांव के संघ शिविरों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सभी कर्मचारियों को जनता के कार्य मुस्तैदी से निपटाने के निर्देश दिए। बोली में छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने मुख्य निवाई रोड पर जाम लगा दिया और यातायात साधन की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दूसरी डोज लगवाने के लिए विभाग ने घर घर वैक्सीनेशन लगाने का अभियान शुरू किया है। धौलपुर के गुर्जर खानपुर गांव में मटका रखने को लेकर विवाद हो गया। विवाद में एक महिला को उसके ही देवर ने घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई। जयपुर के चोमू कस्बे में सामोद रोड पर खड़ी जीप में शव मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू की। वल्लभ नगर में विधानसभा उपचुनाव के लिए इन दिनों पार्टियां पूरे जोश के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत के दौरे को लेकर कांग्रेस भी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। जोधपुर के ओसिया में प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने भाकरे गांव में प्रशासन गांव के संघ शिविर का निरीक्षण किया, साथ ही लाभार्थियों को शिविर के फायदों से अवगत भी कराया। मनोहर थाना में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक उपभोक्ता मानसिक रूप से परेशान हुआ। मीटर कटवाने के बाद मालूम चला 2081 यूनिट का अधिक रुपए विद्युत विभाग उससे वसूल चुका है। नागौर के साठिका गांव में एक बोलेरो ड्राइवर की लाश उसके घर के बाहर बोलेरो में पड़ी हुई मिली। वहीं पुलिस इसे हार्ट अटैक या तबीयत बिगड़ने से हुई मौत मान रही है, पर परिजनों की मांग पर शव का क्यूंसर CHC पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वल्लभ नगर विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, जिससे चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। बीकानेर के नहरी क्षेत्र में किसान अपने हक का सिंचाई पानी 4 में से 2 ग्रुप पानी लेकर ही रहेंगे। किसानों ने बताया कि इसको लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया जाएगा। ब्यावर में अज्ञात चोर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के स्टाफ क्वार्टर से गेट तोड़कर ले गए। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और जांच शुरू की। विजयनगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगरपालिका गांधी उद्यान में कैंप आयोजित किया गया। शिविर में 90 आवेदन पट्टे संबंधित, 14 जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। धौलपुर में अवैध रूप से दौड़ते टेम्पो की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। टेम्पो चालक की तलाश शुरू की। धौलपुर में इन दिनों मौसमी बीमारियों से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं चिकित्सालय में चिकित्सकों के पद रिक्त भी चल रहे हैं, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराए। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई और 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। झालावाड़ में शराब ठेकेदारों ने आबकारी नीति के विरोध में मिनी सचिवालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डोसा के बांदीकुई में प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ पहुंची और दौरा कर PWD विभाग के अफसरों को फटकारा। झुंझुनू के सूरजगढ़ में कासनी के शहीद सतीश खांडा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम सम्मानपूर्वक आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन प्रेम सिंह बाजोर रहे। ब्यावर के सोवनिया मालीपुरा के ग्रामीणों ने गांव में आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। अपनी मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण SDM कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। नसीराबाद में छावनी परिषद के तत्वाधान स्कूली बच्चों ने कस्बे में स्वच्छता रैली निकाली। रैली को नवनियुक्त छावनी परिषद CEO उमेश पारिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कुचामन में SBI ने किसान मेला आयोजित किया, जिसमें किसानों की बैंकिंग समस्याओं का समाधान किया गया। साथ ही 1,30,00,000 रुपए के लोन वितरित किए। चूरू के सर्किट हाउस में 3 दिवसीय दौरे पर आए जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी का कांग्रेसजनों ने अभिनंदन किया। वहीं प्रभारी मंत्री ने जनसुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नागौर में दुष्कर्म के मामले में आरोपी दंपति को मेड़ता सिटी के पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया। यूपी बॉर्डर के ऊंचे नागला पर पीसी सचिव डोटासरा और कांग्रेस के नेतृत्व में गुरुवार को धरना होगा। नगर निगम मेयर अभिजीत कुमार समेत पदाधिकारियों ने सभास्थल और तैयारियों का जायजा लिया। शिवगंज में कौशल विकास केंद्र नेट कोर स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। रिको इंडस्ट्रियल एरिया परिसर में ये कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि CPO जोगाराम राठौड़ रहे। डूंगरपुर में सट्टा के खिलाफ जिला स्पेशल पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सट्टे की पर्चियां काटते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 14,050 रुपए नकद जब्त किए। छिपा बड़ोत के दिगोद खालसा में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत एक किसान ने ग्राम सेवा सहकारी कृषि कार्य हेतु ऋण का आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर उपखंड अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश प्रदान किए। जसवंतपुरा में प्रशासन गांव के संग शिविर में 18 विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया। जसवंतपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने क्षतिग्रस्त टोल रोड की मरम्मत की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भीलवाड़ा पुलिस ने चैन स्नैचिंग को लेकर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों युवक कोटा के शातिर अपराधी हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही 2.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। मातृभूमि सेवा संस्था एवं जनता की आवाज फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में कोटा में प्रदर्शनी हुई, जिसमें 1857 की क्रांति से लेकर आजादी के बाद के इतिहास के दुर्लभ दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। सिरोही में नवरात्रि महोत्सव को लेकर जगदम्बे नव युवक मंडल के पदाधिकारियों ने बैठक आयोजित की और सभी व्यवस्थाओं के दायित्व बताए गए। काकरोली के नोगामा गाँव में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पॉक्सो अदालत में चालान पेश कर 44 गवाह पेश किए गए। राजसमंद के विशेष समाज लोगों ने 40 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। इस संबंध में ग्रामीणों ने पंचायत सहित प्रशासन को कई शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दिया। भीम के बरार राजकीय विद्यालय में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जहां हाथों हाथ उन्हें समस्याओं का निस्तारण मिला। सिरोही में सड़क हादसे में अज्ञात शख्स की मौत के बाद शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पोस्टमार्टम के बाद समाजसेवी प्रकाश प्रजापति ने शव का अंतिम संस्कार करवाया। पिछले एक पखवाड़े से चले आ रहे पितृपक्ष का समापन हो गया। धौलपुर में आखिरी दिन में लोगों ने अपने अपने पितरों को याद कर चंबल नदी में तर्पण किया। बढ़ियाणा में राजस्थान सरकार के ग्रामीण और पंचायती राज विकास विभाग सचिव के पाठक दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पंचायती राज विभाग के तहत अलग अलग विकास की योजना बनाकर काम करने की बात कही। नगर परिषद हिंडोन की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। कैंप का आयोजन कर 2 अक्टूबर से अब तक 62 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। जयपुर के दूदू उपखंड की धमाणा ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग कैंप आयोजित हुआ। आयोजन SDM भूपेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में हुआ। धौलपुर में गांव की सरकार को लेकर नामांकन दाखिल करने में केवल 2 दिन शेष है, लेकिन अभी तक कांग्रेस और भाजपा कोई भी पार्टी सदस्यों के नामांकन को लेकर अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। धौलपुर के बाड़ी उपखंड पर राजराजेश्वरी माता का दरबार सजेगा, वहीं सामूहिक आयोजन को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। सीकर के खंडेला में फायरिंग कर रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। जोधपुर में पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित 2nd पुलिया पर प्रदर्शन किया गया। किशनगढ़ के तिलोनिया में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने शिरकत की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर।
जोधपुर की कायलाना झील में श्राद्ध तर्पण के दौरान पैर फिसल जाने की वजह से एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम संतोष बताया जा रहा है। मंडोर थाना क्षेत्र में आने वाले मगरा पुंजला का रहने वाला था। भीलवाड़ा के शाहपुरा में हुई तैराकी चयन प्रतियोगिता में कीर्ति टाक और चिन्मय शर्मा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बैंगलोर में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्य प्रशिक्षक दिलीप सिंह चौहान के मार्गदर्शन में ये मुकाम हासिल किया। पिपाड़ में प्रशासन गांव के संग अभियान के तीसरे कैंप का साथिन गांव में आयोजन हुआ। कागल निवासी रामजीवन का 60 सालों बाद राजस्व रिकॉर्ड में नाम सुधार हुआ। पिता की मौत के बाद राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज था। प्रतापगढ़ शहर में 3 दिन पहले हुई चोरी के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इनसे चोरी की गई रकम की बरामदगी का प्रयास करने में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जिला अस्पताल के वार्डों में निरीक्षण किया। 1-to-1 संवाद कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक ली। अपराधों पर प्रभावी रोकथाम को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने केशवराय पाटन के माधोराजपुरा ग्राम पंचायत में शिविर में पट्टे बांटे। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल और एसपी शिवराज मीणा मौजूद रहे। गंगापुर कोतवाली थाना क्षेत्र में काम के पैसे मांगने पर युवक की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए हैं। वहीं परिजनों ने पिटाई के दौरान जहर पिलाने का भी आरोप लगाया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बात की। कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजन राजी हुए। करीब 20 घंटे बाद अंतिम संस्कार किया गया। राजसमंद की भीम थाना पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरिया चुराकर बेचने वाली शातिर गैंग का खुलासा किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी देवगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने करेड़ा क्षेत्र में वारदात करना कबूल किया। पूछताछ में और अंतर्राज्यीय वारदातें भी खुलने की संभावना है। भीम पुलिस इन्हें अदालत में पेश कर पीसी रिमांड की मांग करेगी। बीकानेर में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक महावीर राका ने 400 हेलमेट का वितरण किया। 20 दिवसीय सेवा और समर्पण कार्यों के तहत ये पहल की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस दिया जाएगा। देश भर में इससे रेलवे पर 1,984.73 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। बोनस भुगतान के लिए निर्धारित बोनस वेतन गणना की सीमा 7,000 रुपए प्रति माह है। प्रत्येक पात्र रेल कर्मचारी को बोनस के रूप में अधिकतम 17,951 रुपए की राशि मिलेगी। प्रदेश सरकार के प्रशासन शहरों के संघ अभियान को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने अभियान में पार्क की भूमि, वन भूमि, गोचर भूमि, मंदिर की भूमि और कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी है। गंगापुर सिटी में एसओजी ने रीट परीक्षा के नकल गिरोह में शामिल 7 आरोपियों को एसीजेएम कोर्ट में पेश किया। मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके दिलखुश मीणा को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। डूंगरपुर के साबला थाना इलाके में 2 दिन में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात हुई। यहां बाइक पर आए 3 बदमाशों ने कारोबारी से पिस्तौल की नोक पर आधा किलो से ज्यादा चांदी लूट ली। हालांकि लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पारस ज्वेलर्स के मालिक मोहनलाल भगोरिया के मुताबिक वे दोपहर के वक्त दुकान पर थे, उसी वक्त वहां बदमाश आए। भरतपुर के प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस लखीमपुर खीरी कांड को लेकर ऊंचा नागला पर बॉर्डर पर प्रदर्शन करेगी। इस दौरान नगला बॉर्डर से लखीमपुर खीरी के लिए पैदल मार्च निकाला जाएगा। ये प्रदर्शन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशन में होगा। इसमें विधायक और मंत्री शामिल होंगे। लखीमपुर हिंसा पर सियासी लड़ाई तेज हो गई है। राहुल और प्रियंका ने पीड़ितों से मुलाकात की है। केंद्र और योगी सरकार पर निशाना भी साधा है। राजस्थान कांग्रेस का यूपी कूच का ऐलान है तो वहीं अखिलेश यादव भी लखीमपुर जाएंगे। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा ने कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश, लोगों को भड़काया ना जाए। सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, कहा कानून व्यवस्था के चलते नहीं दी इजाजत, भाई बहन कर रहे राजनीति। उपचुनाव को लेकर सीएम आवास पर बैठक, मुख्यमंत्री की चुनाव समिति के पदाधिकारियों के साथ चर्चा। दोनों सीटों पर 8 अक्टूबर को गहलोत करेंगे जनसभा।
रीट के कथित पेपर लीक मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, बोर्ड सचिव सहित एडीजी एसओजी से जवाब मांगा है। डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला सामने आया। नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल की सजा दी है। दरिंदे पर 1,00,000 से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया है। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।